सारे एक्टर्स के लिए टीवी पे फिट दिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उनको काफी मेहनत भी लेनी पड़ती है। और आज हमारे साथ चिराग जानी है जो उनका फिटनेस मंत्र हमारे साथ शेयर करेंगे। श्योर, बाय द वे सबसे पहले सबको मेरी तरफ से थैंक यू, क्योंकि हमारा पोरस जो है वो काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। और अभी बात करते हैं हम फिटनेस के बारे में। सिर्फ एक्ट्रेस को फिट रहना ऐसी बात नहीं है, हर कोई को फिटनेस रहना चाहिए, क्योंकि फिट होते हैं तो काफ़ी मन भी खुश रहता है, तन भी खुश रहता है। और रही बात एक्टर्स की, तो हमें स्क्रीन पे काफ़ी अच्छा दिखना होता है। जैसे अभी हमारा शो चल रहा है पोरस, तो पोरस में अभी जैसे मैं एक किंग का किरदार प्ले कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ह्यूज दिखना है, मतलब काफ़ी अच्छे मसल्स दिखाने हैं। और वो बोलते हैं ना कि बॉडी में कहीं फैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्क्रीन पे दिखता है, तुरंत दिखता है स्क्रीन पे। तो हमें काफ़ी तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, लाइक जिमिंग हो गया, उसके बाद जो है डाइट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं 60% इज़ योर डाइट एंड 40% इज़ योर वर्कआउट। सो आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि डेली लाइफ में लोग कुछ भी खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं। तो एक्ट्रेस जो होते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं एक्ट्रेस बहुत ही नखरे करते हैं, पर वो नखरे नहीं होते, उनकी डाइट होती है, क्योंकि काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मेरा डाइट है तो आई यूजुअली ईट कैलोरीज के हिसाब से, कि एक दिन में मैं कितनी कैलोरीज अंदर डाल रहा हूँ, कितनी कैलोरीज में खा रहा हूँ। और क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो अलग अलग रहती है, आपका वर्कआउट के दरमियान आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स कितनी रहती है वो आपको बताना पड़ता है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हाँ, क्योंकि आज हम चिराग जानी के पर्सनल जिम में आए हैं और यहाँ पे थोड़ी सी जिमिंग होगी, वर्कआउट होगा। और सबसे पहले किससे, किस वर्कआउट से स्टार्ट कर रहे हैं? आज मेरा वर्कआउट जो है वो सर्किट वर्कआउट है, मतलब एवरी बॉडी पार्ट का आज मैं वर्कआउट करने वाला हूँ। सो बेसिकली वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी होता है वार्म अप, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। सबसे पहले मैं वर्कआउट चालू करने से पहले सबसे पहले चालू करता हूँ अपना म्यूज़िक, सबसे ज़रूरी होता है म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक जो होता है वो आपका एक माइंडसेट बनाता है। क्योंकि आप कहीं से भी आते हो, आपके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स चलती होती है, काफ़ी सारी चीज़ें चलती होती है दिमाग में, पर जब आप जिम के अंदर आते हो तो आपको एक माइंडसेट करना पड़ता है कि आप वर्कआउट करने के लिए हैं। तो वर्कआउट चालू करने से पहले आपके दिमाग को बोलना पड़ेगा कि एक अच्छा सा म्यूज़िक लगाओ और वो म्यूज़िक के हिसाब से आपका वर्कआउट चालू करो। तो हम चालू करेंगे अपना म्यूज़िक। कार्डियो हो गया। हाँ, काफ़ी लोग कार्डियो करते हैं, उसमें क्या कि लोग जिसको नॉलेज नहीं होता है वो कार्डियो मशीन पे जाते हैं और तुरंत अपनी स्पीड जो है 6 या 9 स्पीड पे चला देते हैं, दैट्स नॉट गुड। पहले आप कार्डियो वर्कआउट करते हो, आप पहले अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिए कि हाँ मैं कुछ करने वाला हूँ। बॉडी को भी पता होना चाहिए कि आप कुछ करने वाले हो, वरना वो अच्छे से रिएक्ट नहीं करती, काफ़ी टाइम मसल्स पुल हो जाता है, मसल्स इंजरी होती है। ये सब काफ़ी टेक्निक्स हैं। और काफ़ी लोग जो है बैंड होके कार्डियो करते, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। स्ट्रेट पोस्चर हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए और वॉक ग्रेजुअली 6 की 3, 6, 9 ऐसे ग्रेजुअली अप करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है हम थोड़े पुशअप्स करेंगे, उसके बाद फिर कुछ और करेंगे, पहले हम पुशअप्स करेंगे। कितने पुशअप्स कर लेते हैं आप? कर तो सकता हूँ मैं 50, बट हम स्टार्ट करेंगे 20 पुशअप्स से। दिस इज़ अ वार्म अप। पुशअप्स काफ़ी अलग अलग तरीके से होते हैं, लाइक जो हमारा इंडियन पुशअप्स जिसको बोलते हैं उसका नाम है सूर्य नमस्कार। सो पहले हम 10 सूर्य नमस्कार करेंगे पुशअप्स, उसके बाद 10 रेगुलर पुशअप्स करेंगे। आप पूरे रेड हो गए हो। आपका फेस पूरा रेड हो गया है। जो सूर्य नमस्कार रहता है उसके अंदर आपका बॉडी मूवमेंट है, आप नीचे जाओगे उसके बाद फिर ऊपर आओगे, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है जब आप डाउन जाते हो फेस पे आएगा, आप जाओगे वापस सेटल हो, तो काफ़ी हद तक सेटल हो रहा है। हाँ, तो इसमें काफ़ी टेक्निक्स भी है, काफ़ी लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं, काफ़ी लोग करते ही नहीं है ठीक से, बस उनको क्या होता है कि वर्कआउट करना है, पर वर्कआउट के अंदर क्या टेक्निक्स है वो उनको नहीं पता होता है। सो नाउ हम करेंगे बैक वर्कआउट,
उसके लिए मुझे अपना जैकेट निकालना पड़ेगा। तो ये कितनी बारी करना होता है और इसके फायदे क्या है? दिस इज कॉल्ड लेट पुल डाउन। ये जो है अपने बैक मसल्स के लिए होता है, लेट पुल डाउन। दिस इज योर बैक मसल्स, सो इसके लिए रहता है लेट पुल डाउन। इसका उसके फायदे काफ़ी है, मतलब आपका जो बैक है उसको हम हमारे लैंग्वेज में कहते हैं बटरफ्लाई। तो करने के बाद आपका जो शेप है वो ऐसे वी शेप में आता है। और इसका अलग अलग होता है, लाइक अभी जो मैंने किया इसका 3 सेट रहते हैं, 15-15 के, 12-12 के। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से करना पड़ता है। वर्कआउट का सबसे बेस्ट ये है, बेस्ट कि जब आप वेट लिफ्ट करते हो उसमें आपका ब्रीदिंग का टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो तब आपको ब्रीद आउट करना होता है, और जब आप छोड़ रहे हो तब आप ब्रीदिंग करना रहता है। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। अब हम करेंगे बाइसेप्स। सो ये था बाइसेप्स। अभी देख सकते हो मेरा बाइसेप्स जो है वो पंप हो गया, यू कैन से इट। सो काफ़ी मेहनत होती है, और बाइसेप्स जो है सबसे फेवरेट बॉडी पार्ट होता है। मतलब लड़के, कोई भी लड़के को पूछोगे कि आपको क्या अच्छा लगता है तो वो बोलेगा मुझे बाइसेप्स बनाना अच्छा लगता है। और उनको सबसे ज़्यादा बाइसेप्स का ही वर्कआउट पता होता है। जो इनिशियली जिम में वर्कआउट करने आते हैं उनको दो ही चीज़ पता होता है कि एक बाइसेप्स होता है और एक चेस्ट होता है। उसके अलावा उसे और पता भी नहीं होता है क्या करना है। और कुछ बचा है कि इतना सारा वर्कआउट हो गया तो आई थिंक रेस्ट, शोल्डर वर्कआउट करें। अच्छा, और कितनी बारी जिमिंग करते हो आप, कितनी बारी वर्कआउट करते हो डेली बेसिस पे? सी, मैं वीक में 7 डेज होते हैं और मैं 7 डेज वर्कआउट करता हूँ, मेरी एक भी छुट्टी नहीं होती। हाँ, अगर मैं शूट पे हूँ तो शूट पे भी मैं अपना वर्कआउट का जो भी थोड़ा बहुत सामान है वो अपने साथ लेके जाता हूँ। सो एक बार आप अगर जिम अच्छे से स्टार्ट करेंगे और अगर आपको पसंद आ गया, इट्स एन एडिक्टिव, तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। उसके बिना आपको नींद भी नहीं आएगी। जैसे मैं अगर वर्कआउट नहीं करता हूँ तो मुझे ठीक से नींद नहीं आती है। तो इसके बिना वैसे मुझे अभी एक आदत हो गई, भाई आज जिम जाना है, आज जिम नहीं किया तो कुछ खाली खाली रहता है कि क्या क्या किया आज, यार आज वर्कआउट छूट गया यार। तो दिस इज एन एडिक्टिव, और ये अच्छी आदत है जो आपको लाइफ में लेनी चाहिए। एक मीथ है लोगों के अंदर के प्रोटीन पाउडर्स और ये सब जो चीज़ें हैं इट्स नॉट गुड, बट लेट मी टेल यू कि जो बॉडी प्रोटीन पाउडर्स जो होते हैं इट्स फॉर, जो आप वर्कआउट कर रहे हो या आप अपनी डेली बेसिस पे अपना जो कैलोरीज और वो सब चीज़ें चाहिए वो आपको खाने में से नहीं मिलती। तो प्रोटीन पाउडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती है बॉडी की वो उसमें से आपको रिक्वायर्ड पूरी करते हैं। और वो सब हेल्दी चीज़ें हैं, लाइक वे प्रोटीन जो आप बोलते हैं वो दूध में से बनता है, सो इट्स नॉट बैड। बट हाँ, प्रोटीन पाउडर्स ले सकते हैं, उसके अलावा जो चीज़ें मार्केट में मिलती है वो नहीं करना कभी भी। काफ़ी जो होती है स्टीरोइड्स जो होते हैं उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें वो बिल्कुल मत करें। जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको यूज़ कीजिए और अच्छे से यूज़ कीजिए तो आपकी बॉडी अवश्य बनेगी।